नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि जब प्यार होता है तो उसके सिवा कुछ और नजर नहीं आता। कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो या कोई भी उम्र हो, प्यार में ये सब कुछ इंसान भूल जाता है। प्यार के लिए लोग सात समंदर आसानी से पार कर जाते हैं। फिलहाल देश में अभी सीमा हैदर की चर्चा चल ही रही है कि एक और प्रेम दीवानी ने खबरों की दुनिया में अपनी जगह बना ली है और ये अपने प्यार को पाने के लिए साउथ कोरिया से यूपी के शाहजहांपुर पहुंच गई है, जिसकी चर्चा उनके क्षेत्र में खूब हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती। बीते दिनों पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए भारत आई थी। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। अपने प्यार को पाने के लिए साउथ कोरिया की एक लड़की यूपी के शाहजहांपुर पहुंच गई। यहां उसने प्रेमी सुखजीत सिंह के साथ सिख रीति रिवाज से शादी भी रचाई है। साउथ कोरियन बहू को भारतीय संस्कार और परंपराएं खूब भा रहे हैं। बता दें कि दोनों के बीच 2 साल पहले साउथ कोरिया के रेस्टोरेंट से शुरू हुआ था ये प्यार का सिलसिला, आज शादी तक पहुँच गया। फिलहाल इस पूरे मामले की चर्चा क्षेत्र में खूब हो रही है। जानकारी के मुताबिक कुआया तहसील के उदना गांव के रहने वाले सुखजीत सिंह 6 साल पहले साउथ कोरिया में नौकरी करने गए थे। वे बुसान शहर के एक कॉफी रेस्टोरेंट में काम करते थे। इसी रेस्टोरेंट में 23 साल की किम बोहनी भी जॉब करती थी। दोनों के बीच प्यार हो गया। साउथ कोरिया की लड़की सुखजीत को बेइंतहा मोहब्बत करने लगी, लेकिन इसी बीच 6 महीने के लिए सुखजीत भारत अपने घर आ गए थे, जिसके बाद किम बोहनी जब सुखजीत से दूर नहीं रह पाई तो वो भी उनके पीछे पीछे भारत पहुंच गई और शाहजहांपुर सुखजीत के घर आ गई। वहीं किम बोहनी को अपने घर पर देखकर सुखजीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 दिन पहले सुखजीत सिंह ने अपने प्रेमिका से सिख रीति रिवाज से गुरुद्वारे में धूमधाम से शादी रचाई है। किम अब सुखजीत के घर पर रह रही है। उन्हें यहाँ के घर, सड़के, खेत खलिहान और लोग खूब भा रहे हैं। शादी के बाद दोनों बेहद ही खुश हैं। इतना ही नहीं, परिवार वाले भी साउथ कोरियन बहू पाकर खुश हैं। वहीं सुखजीत सिंह का कहना है कि अब वो किम बोहनी के साथ साउथ कोरिया में ही बसना चाहते हैं। तो देखिए, प्यार के लिए सरहद पार करने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है जहां प्यार के लिए लोग सब कुछ भूलते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये साउथ कोरिया से आई किम बोहनी शाहजहांपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि किम बोहनी और सुखजीत सिंह ने शादी कर ली है और अब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिता रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।